आप सोशल मीडिया में चैटिंग कर रहे हो तो चैटिंग में आप ढेर सारा टर्म जरूर यूज करते होंगे। और एक टर्म जान लीजिए, आप यूज कर पाएंगे इजीली सोशल मीडिया में। ए टर्म का नाम है ASA। ए टर्म का फुल फॉर्म है आज सुन आज, और इसको हिंदी में बोला जाता है जैसे ही, और इसको शॉर्ट में ASA बोला जाता है। अभी आपको बताता हूँ ये जो ASA टर्म को कैसे आप यूज करेंगे चैटिंग में। आप समझे, आपका दोस्त के साथ आप चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग करने का टाइम आपका दोस्त आपको पूछ रहा है, क्या आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर का बर्थडे कब है? आप आपका दोस्त को जवाब दे रहे हो, अभी मेरे को मालूम नहीं है, जैसे ही मेरे को मालूम होगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो जैसे ही आप वर्ड यूज कर रहे हो, ये वर्ड फुल लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, उसका टर्म यूज कीजिए ASA। ये टर्म यूज करेंगे तो वो बंदा आपको समझेगा ये चैटिंग में स्मार्ट है, और वो बंदा आपका साथ चैटिंग करता रहेगा, और वो नया नया जो चैटिंग का टर्म यूज होता है वो भी सीख पाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा आपका साथ चैटिंग करने का टाइम, और आप इजीली आपका चैटिंग भी आप टाइम भी बचा पाएंगे आपका चैटिंग में, और आप इजीली जो नया नया टर्म यूज करके आप दूसरे के बंदा को इम्प्रेस भी कर पाएंगे। ये था ये इस जो टर्म का बारे में जानकारी। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक नया फुल फॉर्म का साथ।